सो हेलो गाइज, आज से हम स्टार्ट करेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। किताब का नाम है रोज एंड विल्सन। चैप्टर है 3, सेल एंड टिशू। तो आज हम बात करेंगे सेल एंड टिशू के बारे में। तो ये पहला पैराग्राफ से हम चालू करेंगे। पहले पैराग्राफ में दिया गया है, सेल्स आर द बॉडी स्मॉलेस्ट फंक्शन यूनिट। इसका मतलब होता है जो सेल्स होती हैं यानी कोशिका, वो बॉडी की सबसे छोटी इकाई होती हैं, यानी कि सबसे छोटी काम करने वाली इकाई होती हैं। जैसे कि आपने देखा हो, घर को बनाने के लिए ईंटों की आवश्यकता पड़ती है, उसी तरह से पूरे सेल्स को, पूरे बॉडी को बनाने के लिए सेल्स की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना। और वो सेल्स आपस में मिलकर के टिशू बनाते हैं, टिशू आपस में मिलकर के ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन आपस में मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ठीक है ना। दे आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म टिशू, यानी कि वो आपस में मिलकर के ग्रुप बना करके टिशू बनाते हैं। ईच ऑफ विच हैज़ ए स्पेशलाइज्ड फंक्शन, जिनका कि कुछ स्पेशल फंक्शन होता है, ठीक है ना। जैसे कि ब्लड हो गया, मसल हो गया, बोन हो गया, तो इनके अलग अलग कार्य हैं, ठीक है ना। डिफरेंट टिशू आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन। इस पूरे पैराग्राफ में यही बात बताई है कि सेल्स जो होते हैं वो आपस में मिलकर के टिशू बनाते हैं, टिशू, और टिशू जो होते हैं आपस में मिलकर के ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन आपस में मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम मिलकर के बनाता है एक ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। तो ये चीज़ बताइए इस पूरे पैराग्राफ में, ठीक है ना, इस पूरे पैराग्राफ में यही चीज़ बताइए। तो हम दूसरा पैराग्राफ निकालते हैं, और दूसरे पैराग्राफ में देखिए, द ह्यूमन बॉडी डेवलप फ्रॉम ए सिंगल सेल कॉल्ड जायगोट। जायगोट आपने पढ़ा होगा रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में। वहाँ पे क्या होता है, मेल जो होता है, मेल निकालता है स्पर्म सेल, ठीक है ना, और जो फीमेल होती है वहाँ से आता है एग सेल। तो जब ये जो स्पर्म होता है वो जा कर के एग से मिलता है, तो वो फर्टिलाइजेशन कहते हैं उस प्रक्रिया को, और उस प्रक्रिया से बनता है जायगोट। आपने बहुत बार पढ़ा होगा ये पहले, तो जायगोट बनाता है, ठीक है ना। विच रिजल्ट फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ ओवम यानी कि जो फीमेल एग होता है उसको कहते हैं ओवम, एंड स्पर्मेटोजोआ, जो कि होता है मेल सेक्स सेल, यानी कि स्पर्म को बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ, ठीक है ना। सेल डिवीजन फॉलो, यानी कि जब ये आपस में मिल जाते हैं तो जायगोट बनता है, और जायगोट में होता है सेल डिवीजन से क्या होता है, वो फीटस जो होता है वो ग्रो होता है, ठीक है ना। सेल्स आर डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल स्पेशलाइज डेवलप, यानी कि जो सेल्स होते हैं वो टिशू बनाते हैं, और टिशू आपस में मिलकर के कुछ ऐसा स्पेशल ऑर्गन बनाते हैं जो आपस में मिलकर के काम करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये जो पैराग्राफ है, ये वाला इंपॉर्टेंट है ये पैराग्राफ। इसमें बताया गया है, ए सेल कंसिस्ट ऑफ ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनक्लोजिंग ए नंबर ऑफ ऑर्गेनेल्स सस्पेंडेड इन ए वाटरी फ्लूइड कॉल्ड साइटोसोल। इसका मतलब है जो सेल होती है वो है ना, उसकी जो ऊपर की परत होती है उसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये जो वाटरी फ्लूइड होता है इसको हम कहते हैं साइटोसोल, ठीक है। इस वाटरी फ्लूइड को हम कहते हैं साइटोसोल, और इसके अंदर पड़े होते हैं ये ऑर्गेनेल्स, ये जो ऑर्गेनेल्स हैं, ये सारे जो ऑर्गेनेल्स हैं, छोटे छोटे जो भाग हैं, जो छोटे छोटे, उनको ऑर्गेनेल्स कहते हैं। जैसे कि एक बॉडी में ऑर्गन होते हैं, उसी तरह एक सेल में ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, सेल्स कंटेंट एक्सक्लूडिंग न्यूक्लियस आर मेड अप ऑफ द साइटोप्लाज्म, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखने की बात है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो तो सेल की सबसे ऊपरी परत होती है, ठीक है ना, और जो साइटोप्लाज्म होती है वो जो ये जो ऑर्गेनेल्स पड़े हैं इनकी सबसे ऊपरी परत होती है, ठीक है ना। ये है इसमें अंतर, ठीक है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ देख रहे हैं, द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मेम्ब्रेन आर फंडामेंटल टू सेल सर्वाइवल। इसका मतलब ये है कि जो सेल होती है उसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ऊपर की परत, उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन कुछ इस प्रकार से होता है कि सेल हर तरह की वातावरण को सर्वाइव कर सकती है, यानी कि टैकल कर सकती है, यानी कि उससे बच सकती है। एज दे कंट्रोल पैसेज ऑफ सस्टेंस इन टू एंड आउट ऑफ इट। इसका मतलब है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो कंट्रोल कर सकती है किसी भी सब्सटेंस को, अंदर या बाहर ले जा सकती है। रेगुलेटिंग द इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट, यानी कि रेगुलेट करेगी वो जो सेल के अंदर का वातावरण है उसको रेगुलेट करेगी, ठीक है ना। तो अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर को समझने के लिए ये जो मॉडल दिया है इसका नाम है फ्लूइड मोजैक मॉडल, फ्लूइड मोजैक मॉडल।
आपने ये 12वीं क्लास में पढ़ा होगा। तो इस मॉडल में बताया गया है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो बाई लेयर होती है एक फॉस्फोलिपिड की, यानी कि फॉस्फोलिपिड की लेयर होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है। फॉस्फोलिपिड की ऊपर होता है हेड वाला पार्ट, नीचे होता है टेल वाला पार्ट। तो ये दो लेयर होती हैं, एक तो ऊपर होती है, एक तो ऊपर की साइड होती है और एक इस तरह से नीचे की साइड होती है, ठीक है ना। जैसे कि ये दिखा रखा है बीच में फॉस्फोलिपिड की ये लेयर होती है, ठीक है ना। उसके अंदर होती है प्रोटीन मॉलिक्यूल, उसके अंदर होती है ये प्रोटीन मॉलिक्यूल और ठीक है ना। और उसके अलावा ये लिपिड जो होता है कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल भी होता है, ठीक है ना। तो जो ये जो फॉस्फोलिपिड है इसकी एक खासियत होती है, जो इसका जो हेड वाला पार्ट है वो होता है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है जो पानी को पसंद करता है। हाइड्रोफिलिक पानी को पसंद करता है, इसका मतलब इसके अंदर से पानी इजीली अंदर चला जाएगा, ठीक है ना। और जो टेल होती है वो होती है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है ये वाटर को हेट करती है, वाटर को हेट करती है यानी कि रिपेल करती है, यानी कि दूर भगाती है। तो यहाँ से पानी अंदर, मतलब यहाँ से तो अंदर चला जाएगा पर अंदर से यहाँ से ये नहीं जा पाएगा, ठीक है। उसके लिए ये प्रोटीन वगैरह या किसी और माध्यम से वो अंदर जाना होगा उसको, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये पूरा मॉडल बताया गया है इस दूसरे वाले पैराग्राफ में, ठीक है। अब हम बात करेंगे मेम्ब्रेन प्रोटीन के बारे में। मेम्ब्रेन प्रोटीन उन प्रोटीन को कहते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होती हैं। एम्बेडेड का मतलब होता है धसी होती हैं, उन प्रोटीन को हम मेम्ब्रेन प्रोटीन कहते हैं। इनका काम है, जो सब्सटेंस होते हैं मेम्ब्रेन प्रोटीन का काम है कोई भी सब्सटेंस है उनको अंदर से बाहर ले जाना या फिर बाहर से अंदर लाना, यही उनका काम है। जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट हो गए, नॉन लिपिड सॉल्यूबल। नॉन लिपिड सॉल्यूबल का मतलब होता है जो कि लिपिड में सॉल्यूबल नहीं हो सकते, घुल नहीं सकते। उन सब्सटेंस को ये आर या पार करती है मेम्ब्रेन के, ठीक है ना। तो मेम्ब्रेन प्रोटीन के बहुत सारे काम होते हैं, उनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट काम ये पहला वाला काम है, इम्यूनोलॉजिकल आइडेंटिटी सेल्फ मार्कर। सेल्फ मार्कर का मतलब होता है, सेल्फ का मतलब होता है खुद और मार्कर का मतलब होता है जैसे किसी को मार्क कर देना। तो जो मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है हर किसी सेल पे, जैसे कि ये सेल है तो इस सेल पे ये प्रोटीन है जैसे कि, तो ये इस सेल को मार्क कर देगी कि ये भाई हमारी खुद की बॉडी का सेल है, ये हमारी खुद की बॉडी का सेल है ये। तो यदि कोई भी जैसे कि WBC वगैरह है तो उनको ये पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये हमारी खुद की बॉडी का सेल है, तो इसको हमें डिस्ट्रॉय नहीं करना है, ठीक है ना। तो ये बहुत ही काम आती है इम्यूनोलॉजिकल यानी कि इम्यूनिटी के, ठीक है ना। इम्यूनोलॉजिकल आइडेंटिटी का मतलब है इम्यून सिस्टम को आइडेंटिफाई करने के लिए। इम्यून सिस्टम आइडेंटिफाई कर लेता है सेल्स को कि भाई ये हमारा ही सेल है, किसी और बाहर से नहीं आया ये सेल, तो वो उनको डिस्ट्रॉय नहीं करता और इस तरह से बच जाती हैं हमारी सेलें, ठीक है ना। दूसरा जो फंक्शन है वो है रिसेप्टर। जो प्रोटीन होती है वो सेल्स के ऊपर चिपकी होती हैं और उनको रिसेप्टर के रूप में काम करती हैं। कोई भी हार्मोन आया, हार्मोन एक एंजाइम होते हैं हार्मोन, तो हार्मोन आते हैं वो इस रिसेप्टर से चिपकते हैं और चिपकने के बाद ये रिसेप्टर अंदर सिग्नल पहुंचा देता है कि भाई ये वाला फंक्शन करना है हमारे सेल को, ठीक है ना। और तीसरा है सम आर एंजाइम्स का मतलब है कुछ एंजाइम्स होते हैं ये प्रोटीन। चौथा जो फंक्शन है वो चैनल के रूप में काम करते हैं ये प्रोटीन। चैनल का मतलब होता है जैसे कि सोडियम चैनल हो गए, पोटेशियम चैनल हो गए, ये सोडियम को अंदर या बाहर करने का काम करते हैं, पोटेशियम को अंदर या बाहर करने का काम करते हैं, तो चैनल का काम करते हैं। दूसरा पंप, पंप का मतलब होता है जैसे कि पंप का काम होता है, जैसे सोडियम पोटेशियम पंप होता है वो क्या करता है सोडियम और पोटेशियम को लेकर के दूसरी साइड पहुंचा देता है, ठीक है ना। इस तरह से सोडियम, इस तरह से चैनल और पंप का काम करते हैं ये प्रोटीन।